Hello everyone, this is Ashoka and you are watching YouTube channel called Photo Factory. Today I am going to show you a sprinkler, mini sprinkler irrigation system. This video is going to be personal, so I will show you now all the system. ये कौन सा मशीन है ये? डीजल मशीन. हाँ डीजल. अच्छा यहाँ पर ये डीजल मशीन है और बेसिकली मैं आपको स्प्रिंकलर सिस्टम इरीगेशन सिस्टम दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हेड यूनिट है. हेड यूनिट में एक स्क्रीन फिल्टर रहता है. ये जो बच्चा छू रहा है इसको वेंचुरी बोलते हैं. यहाँ इस पाइप में जो है अगर आप दवा अगर अपने खेतों में देना चाहते हैं तो दवा वाले टैंक में इसको डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये पाइप के साथ साथ आपका स्प्रिंकलर के वहाँ पर दवा निकलेगा. इसमें आपके एयर रिलीज बल्ब रहता है और ये एक प्रेशर गज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. ये देखिए जो घड़ी टाइप का है ये प्रेशर रिलीज बल्ब है, सॉरी प्रेशर गज है. और यहाँ से ये पीवीसी पाइप है, ये देख रहे हैं आप ढका हुआ है. इस तरीके से ये पीवीसी गुजर रहा है आपका मेन चैनल और वो उधर चला गया. मैं दिखाता हूँ, ये इनका यहाँ पर कंट्रोल बल्ब है. यहाँ पर ये कंट्रोल बल्ब है जो मेन चैनल आया हुआ है. इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल बल्ब होता है. कंट्रोल बल्ब मतलब आपको ये पानी यहाँ से रुका और रोका और खोला जाता है. तो यानी कि जैसे कि ये कंट्रोल बल्ब है तो इधर से ये लेटरल गुजरा हुआ है. लेटरल यानी कि ये जो ब्लैक पाइप है इससे पानी निकल करके यहाँ पर फुहारा लगा हुआ देख रहे होंगे. ऐसे ही 10 मीटर की दूरी में आपको ढेर सारा ये लेटरल मिलेगा. जैसे आगे आप देख सकते हैं, आगे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ. ये मेन चैनल है वाटर पाइप का और बेसिकली देखिए यहाँ पर ये है, इसी से निकल करके इधर आता है और इधर आने के बाद ये जो स्प्रिंकलर है यहाँ पर, ये स्प्रिंकलर से पानी निकलता है और फुहारे के टाइप से जो है यहाँ पर इसके इर्द गिर्द का ये पटाता है. तो ये आपको पूरा जो है 10 मीटर के डिस्टेंस में ये फुहारा रहता है और ये दोनों का फुहारा का पानी एक दूसरे में टच होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा आपका पूरा पट जाए. तो इसी तरीके से जो है पूरा खेत आपका स्प्रिंकलर सिस्टम से पटता है. यहाँ पर एक वीडियो थोड़ा सा मैं आगे जाके एक दिखाता हूँ. देखिए यही पीवीसी है, ये यहाँ पर नहीं ढका हुआ है. तो यहाँ पर एक और इस चीज़ में, इस सिस्टम में और एक चीज़ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये देखिए ये हो गया आपका फ्लशर. यानी कि कोई भी कुछ कचड़ा उचड़ा अगर जाम हो जाता है तो यहाँ से अगर हम इसको खोल देंगे, यहाँ से ऐसे करके खोलेंगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा. फिर इसको अगर बंद नहीं करेंगे तो पानी यहाँ से निकल जाएगा. अब पानी पटाने समय इसको बंद रखना पड़ता है. और इधर भी इस तरीके से इनका पूरा खेत में ये पूरा होता है. अभी मैं ये चला के भी दिखाता हूँ कैसे फुहारा जो है फेंकता है और ओरिजिनल डिस्टेंस में आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये एक दूसरे का पानी टच हो रहा है कि नहीं हो रहा. चलिए देखते हैं. तो ये डीजल यहाँ से स्टार्ट हुआ, डीजल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पानी वहाँ से इनलेट में जा रहा है और पानी आपको देखने को मिलेगा. यहाँ पर हम आपको सामने से दिखाने का प्रयास करेंगे. तो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से स्प्रिंकलर काम करता है. इसको एक्चुअली में पूरा घूमना चाहिए, आप देख रहे होंगे इसको पूरा घूमना चाहिए और घूम घूम के इसको पानी पटाना चाहिए, मगर ये घूम नहीं रहा है, ये घूम नहीं रहा है. और आप देख सकते हैं, सामने से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए देखिए अब थोड़ा प्रेशर बना है और इस तरीके से स्प्रिंकलर से पटता है. ये जो है ऑटोमेटिकली ये चारों तरफ घूमता है और पानी पटाता है, बहुत शानदार. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको देख करके अच्छा लगा. और यही था मिनी स्प्रिंकलर का, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया. बहुत शानदार ये सिस्टम है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ये सिस्टम अपनाइए. बाय बाय.